को बिल्कुल गेट के आगे टेकती है गोली। अब देखना। ये काफी इलेक्शन हार चुकी है इसका भी डल हो गई। तो भाई आप देख सकते हो ये बेचारी अंजलि ऐसे लेटे हुए, भगवान ने बच्चा जो छीन लिया हमसे। तो प्लीज़ यार आप भी उसे पत्र समझाओ कि जो हुआ हुआ, अब वो तो लौट के आ नहीं सकता। अब बच्चे को दिक्कत क्या हुई थी, कई भाई ये पूछेंगे हुआ क्या था। भाई बच्चे के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जो हम आपको प्रॉपर तरीके से तो नहीं बता सकते। भाई डॉक्टरों ने समझाया हमें, काफ़ी बोला कि भाई अगर इस बच्चे को आप रखते भी हो तो आने वाले टाइम में, ये मान लो भी अभी तो फिलहाल 5 मंथ था, उसको इंफेक्शन इतना बढ़ता जा रहा था बहुत ज़्यादा। अगर हम इसे रखते भी तो 9 महीने तक शायद इसकी माँ की, पहले डॉक्टर ने बोल दिया था कि जितना दिन तक आप रखोगे उतनी इसकी माँ को मतलब ये जान को खतरा बढ़ता रहेगा, इन्फेक्शन उसके अंदर ही फैलना शुरू हो जाएगा। तो भाई हम क्या करते हैं, तो लास्ट में भाई माँ में से और बच्चे में से एक को चुनना पड़ता, और अगर मैं उसे बचा लेता तब भी मैं उसका कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यार वो ज़िंदगी से हार खुद ही चुका था। तो भाई मजबूरी में इसे कदम उठाना पड़ा, तो बस हमारा बच्चा कि भगवान जल्दी वो हमारे पास दोबारा आएगा। पर ये बेचारी को कौन समझाए बच्चा कैसा भी हो, माँ के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई। ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, बस चुपचाप जैसे थोड़ा हौसला दो इसे। हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। तो भाई जो होना था वो तो हो चुका है, पर हम अपने गांव में आए हुए हैं तो अंजलि की रिकवरी के लिए यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे यहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर देख रेख भी अच्छी होगी और केयर भी करेंगे हर चीज़ के बारे में। एक माँ से उसका पता सिन जाता है जब ऐसी हालत हो ही जाती है। कोई नहीं, इसे समझाओ, आप भी थोड़ा हौसला दो, मैं भी बढ़ाता हूँ उसका हौसला। ये हमारा किचन, मम्मी रोटी बना रही है, पापा खा रहे हैं और डॉगी हमारे पास ही है। गाँव का रहन सहन ऐसा ही होता है भाई, यहाँ पर कोई पशु से पक्षी से ऐसा नहीं मानते। छोटा की कर रहा है, कौन की कर रहा है, सब उल्टे जवाब यहाँ पर पास कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ का हमारा नज़ारा दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा, आप भी देखना बताना मुझे। ये देख सकते हो बिल्कुल शुद्ध वायु और बिल्कुल एक साइलेंट एरिया, यहाँ कोई ट्रैफिक कोई शोर शराबा नहीं है, हर कोई बंदा अपने काम में बिजी है बस। और आप देख सकते हो दूर दूर तक खेत ही दिखाई दे रहे हैं, ये गांव ख़त्म होते ही खेत चालू हो जाते हैं, खेत ही खेत है चारों तरफ, पब्लिक है ही नहीं। तो भाई ये है गाँव का रहन सहन, बाकी मैं आपको खेतों में ले जाऊँगा और वहाँ खेत दिखाऊंगा अपने कैसे हैं कैसे नहीं, तो देखना आप। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई ये जो दिख रही है ना आपको ओल्ड लेडीज, सॉरी पर ये मेरी मम्मी है। ये काफी इलेक्शन हार चुकी है ये इसका भी डल हो गई मम्मी। भाई बेचारी दादी बन जाती है भी, बस भगवान ने दादी बनने का सौभाग्य इसकी किस्मत में लिख नहीं रखता था, तो इसीलिए मुँह ऐसा बना रखा मम्मी ने, कृपया इनके मुँह बना जाए ऐसे ही रहता है। वोट देगा वोट देखना ही मम्मी देख देगा बेचारे मजाक कर दे कभी को कमेंट मेरी मम्मी को उठो बोले, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है भाई मिलते थोड़ी देर में, चाय का टाइम हो रहा है हमारा। देखो बिल्कुल गेट के आगे टेकती है गोली, अब देखना। ओए मम्मी कति क्यों दियो देखना, कति की बिल्कुल गेट के आगे। भाई तो भाई ये अंजलि के लिए नया ऑटो निकाल चुका है, आज ये पिएंगी। हमने ना पिया, मर्द ना पिया, कितना पी लेंगे। अब
देखना ना, यही तो होता है। कैसा लग रहा है, कैसा है टेस्ट है भाई? ये देख लो, आप देख सकते हो ये चीज खा रही है। सर आप इस बात बिल्कुल मत जाना, डिलीवर होने के बाद भाई इन चीज़ों को तो नॉर्मल ही है, यूज करना ही पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग हमारे बोलते हैं कि इन चीज़ों को लेने से बहुत फ़ायदा होता है शरीर के अंदर। इसका मुँह देख कर लग नहीं रहा कि फ़ायदा होगा और प्रॉपर तरीके से। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में इन्हें पीने। तो ये तो वह अंजलि से वो नहीं पिया गया काटा जो बनाया था। तो अंजलि कुछ कहना चाहोगी आज के बारे में? अभी इसकी आवाज़ तो निकल नहीं रही, बट इसने बोला कि भाई कल मिलते हैं फिर दोबारा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना और कमेंट में हमें अच्छे से कमेंट करते रहना।